Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to start Standard 12th Part 2 Chapter number 2 Applications of Derivatives and our topic is Exercise 2.4. तो चलिए start करते हैं Exercise 2.4 का Question number 2. देखिए Question number 2 में हमें क्या given है? हमें find करना है वैल्यू ऑफ एक्स. हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है. फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. देखिए हमें कंडीशन गिवन है कि जो हमें फंक्शन गिवन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. नंबर वन हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x⁴ माइनस 3x² माइनस 12x प्लस 6. सोल्यूशन में हमने एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एज इट इज लिया. अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे. डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. डी बाय डी एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स इन ब्रैकेट 2x³ माइनस 3x² माइनस 12x प्लस 6. अब हम डी बाय डी एक्स सभी के साथ यूज करेंगे. डी बाय डी एक्स 2x³ माइनस डी बाय डी एक्स 3x² माइनस डी बाय डी एक्स 12x प्लस डी बाय डी एक्स 6. जो कांस्टेंट टर्म है वो डी बाय डी एक्स के बाहर होगा. 2 बाहर हुआ. डी बाय डी एक्स x³ माइनस का साइन 3 हमारा कांस्टेंट है बाहर आया. डी बाय डी एक्स x² माइनस 12 हमारा कांस्टेंट है बाहर होगा. डी बाय डी एक्स एक्स प्लस डी बाय डी एक्स 6. 2 एज इट इज x³ का डेरिवेटिव है हमारा 3x² माइनस 3 एज इट इज x² का डेरिवेटिव 2x माइनस 12 एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0. अब हम ये 2 और ये 3 दोनों का इंटू करेंगे. 2 3 जा 6x² माइनस 2 3 जा 6 एक्स एज इट इज माइनस का साइन 12 1 जा 12 6x² माइनस 6x माइनस 12. यहाँ से हम 6 को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा हमारा x² माइनस x माइनस 2. 6 कॉमन हुआ. यहाँ से x² माइनस का साइन यहाँ से x माइनस यहाँ 12 था हमने 6 कॉमन लिया इसलिए यहाँ आया माइनस 2. और हमें देखिए कंडीशन गिवन है f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और f हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहा तो f डैश ऑफ x जो हमने डेरिवेटिव लिया है f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0. ये जो हमारा f डैश ऑफ x है ये हमेशा 0 से बड़ा होगा. ये हमारी इंक्रीजिंग की कंडीशन है तो हमने लिया 6 इन ब्रैकेट x² माइनस x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0. अब ये इंटू 6 है इधर जाएगा तो डिवाइड होगा 0/6 तो आंसर होगा 0. x² माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0. और ये जो कांस्टेंट है हमारा -2 इधर शिफ्ट होगा तो होगा +2 x² माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 2. अब हम इसके फैक्टर फाइंड करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. तो अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमें फैक्टर फाइंड करना है तो बताइए क्या है फार्मूला. हम यहाँ 3rd टर्म फाइंड करेंगे. x² माइनस एक्स एज इट इज है और यहाँ 2 है. हम यहाँ 3rd टर्म फाइंड करेंगे तो 3rd टर्म फाइंड करने के लिए हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करेंगे. क्या है 3rd टर्म का फार्मूला. 3rd टर्म इज इक्वल टू 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होल स्क्वायर. तो बताइए यहाँ हमारा x का कोएफिशिएंट क्या है. x का कोएफिशिएंट है हमारा -1 1/2 एज इट इज इंटू -1 होल स्क्वायर. -1 को 1/2 से इंटू किया -1/2 होल स्क्वायर. -1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4. हमारा आंसर आया 1/4. ये 1/4 को हम दोनों साइड में प्लस करेंगे. x² माइनस एक्स plus 1 by 4 is greater than 2 plus 1 by 4 square minus x plus 1 by 4. ये किसका एक्सपेंशन है? ये हमारा एक्सपेंशन है इन ब्रैकेट x माइनस 1 बाई 2 ब्रैकेट कम्प्लीट होल स्क्वायर का. देखिए ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की जगह हमने एक्स लिया, सेंटर से माइनस का साइन, और ये 1 बाय 4 की जगह हमने 1 बाय 2 लिया होल स्क्वायर. ये हमारा x माइनस 1 बाय 2 होल स्क्वायर का एक्सपेंशन है. ग्रेटर का साइन एज इट इज, नीचे हम 1 लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 2 4 जा 8 प्लस 1 1 जा 1 डिवाइड में 4. x माइनस 1 बाय 2 होल स्क्वायर एज इट इज, ग्रेटर का साइन 8 प्लस 1 9 डिवाइड बाय 4. x माइनस 1 बाय 2 होल स्क्वायर एज इट इज, ग्रेटर का साइन 9 बाय 4 को हमने लिया 3 बाय 2 होल स्क्वायर. यहाँ 2 पॉसिबिलिटी होंगे, एक 3 बाय 2 प्लस में और दूसरा 3 बाय 2 माइनस में. हम यहाँ स्क्वायर रूट लेंगे तो हमने लिया x माइनस 1 बाय 2 ग्रेटर देन 3 बाय 2 और x माइनस 1 बाय 2 इज लेस देन माइनस 3 बाय 2. ये माइनस 1 बाय 2 इधर शिफ्ट होगा तो हो जाएगा प्लस 1 बाय 2. बेस इक्वल है, बेस में 2 है तो हमने 2 एज इट इज लिया. 3 प्लस 1 4 x ग्रेटर देन 4 बाय 2. 2 1 जा 2 2 2 जा 4. तो x का वैल्यू आया हमारा x ग्रेटर देन 2. अब हम यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा, x माइनस 1 बाय 2 लेस देन माइनस 3 बाय 2. ये माइनस 1 बाय 2 इधर शिफ्ट होगा तो हो जाएगा प्लस 1 बाय 2. एक्स लेस देन माइनस 3 बाय 2 प्लस 1 बाय 2. बेस इक्वल है तो हमने 2 एज इट इज लिया. माइनस 3 प्लस 1 तो हुआ माइनस 2. माइनस 2 प्लस 2 गेट कैंसल, रिमेनिंग माइनस 1 is x less than minus 1. Therefore, f is strictly increasing if x is greater than 2 or x is less than minus 1. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड क्वेश्चन. हमें गिवन है f of x is equal to 3 plus 3x माइनस 3x स्क्वायर प्लस x टू द पावर 3. सॉल्यूशन में हमने f ऑफ x का वैल्यू एज इट इज लिया. अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इन ब्रैकेट 3 प्लस 3x माइनस 3x स्क्वायर प्लस x टू द पावर 3. अब हम सभी को डी बाई डी एक्स लेंगे. हमने सभी के साथ डी बाई डी एक्स यूज किया. डी बाई डी एक्स 3 प्लस डी बाई डी एक्स 3x माइनस डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स टू द पावर 3. और जो भी कांस्टेंट टर्म है वो हमारे डी बाई डी एक्स के बाहर हो जाएंगे. डी बाई डी एक्स 3 प्लस का साइन 3 कांस्टेंट है, बाहर हुआ डी बाई डी एक्स एक्स, ये एक्स रिमेनिंग माइनस 3 बाहर डी बाई डी एक्स x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स टू द पावर 3. कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 प्लस 3x का डेरिवेटिव 1 माइनस 3 डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर 2x प्लस डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 3 3x स्क्वायर. 3 1 जा 3 माइनस का साइन 3 2 जा 6 x एज इट इज प्लस 3x स्क्वायर. डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x हुआ हमारा f डैश ऑफ x. देखिए यहाँ 3 था माइनस 6x और प्लस 3x स्क्वायर. यहाँ से हमने 3 को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ 1 माइनस 2x प्लस x स्क्वायर. तो हमने लिया 3 इन ब्रैकेट, पहले हमने x स्क्वायर लिया माइनस 2x प्लस 1. ये हमने ब्रैकेट में लिया है क्योंकि 3 हमारा कॉमन है और हमें कंडीशन गिवन है f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का कंडीशन है हमारा f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0. ये जो वैल्यू है 3 इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ये ग्रेटर देन 0 है, ये इंटू 3 है, इधर जाएगा तो डिवाइड होगा और 0 डिवाइड बाय 3 मतलब है 0। तो हमने लिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब बताइए ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है ये किसका एक्सपेंशन है? ये हमारा x माइनस 1 होल स्क्वायर का एक्सपेंशन है। एक्स स्क्वायर का रूट है x, यहाँ से माइनस का साइन, और 1 का रूट है 1। हमने ब्रैकेट में लिया x माइनस 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 एज इट इज। दिस इज पॉसिबल if x belongs to R and x does not equal to 1, that is x belongs to R minus curly bracket में 1. Therefore f is strictly increasing if x belongs to R minus curly bracket में 1. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन। हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। सोल्यूशन में हमने एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एज इट इज लिया। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। डी बाय डी एक्स एफ ऑफ एक्स is equal to d by dx in bracket x to the power 3 minus 6x square minus 36x plus 7। अब हम सभी के साथ d by dx लेंगे। देखिए हमने लिया d by dx x to the power 3 माइनस का साइन d by dx 6x square माइनस का साइन d by dx 36x plus d by dx 7। अब बताइए यहाँ जो भी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म हमारे डी बाई डी एक्स के बाहर होंगे। डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 3 माइनस 6 कांस्टेंट है, बाहर हुआ डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 36 कांस्टेंट है डी बाई डी एक्स एक्स प्लस डी बाई डी एक्स 7। एक्स टू द पावर 3 का डेरिवेटिव है हमारा 3x स्क्वायर माइनस का साइन 6 डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x माइनस 36 डेरिवेटिव ऑफ x 1 प्लस कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 3x स्क्वायर माइनस का साइन 6 इंटू 2 12x माइनस 36 वनजा 36 और डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स है हमारा एफ डैश ऑफ एक्स। तो एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू है हमारा 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 36। यहाँ से 3 कॉमन हुआ तो x स्क्वायर माइनस का साइन, यहाँ 12 है, 3 हमारा कॉमन है तो यहाँ आ जाएगा 4x माइनस का साइन, यहाँ 36 है, हमने 3 को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आया 12। और हमें कंडीशन गिवन है f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0। ये जो हमारा f डैश ऑफ x है ये ग्रेटर देन 0 है। तो हमने लिया t इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इज ग्रेटर देन 0। अब ये जो इंटू 3 है इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 0 डिवाइड बाय 3 मीन्स 0। तो हमने लिया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 ग्रेटर देन 0। ये माइनस 12 इधर शिफ्ट होगा तो हो जाएगा प्लस 12 एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज ग्रेटर देन 12। अब हम इसके फैक्टर फाइंड करेंगे, हम फैक्टर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से फाइंड करेंगे। तो बताइए क्या होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से? थर्ड टर्म इज इक्वल टू 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x है हमारा माइनस 4 होल स्क्वायर 2 1 2 2 2 4 माइनस 2 होल स्क्वायर। तो थर्ड टर्म आया हमारा 4। तो हमने दोनों साइड में 4 को प्लस किया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ग्रेटर का साइन 12 प्लस 4। अब बताइए ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 है ये किसका एक्सपांड है? ये हमारा x माइनस 2 होल स्क्वायर का एक्सपांशन है। एक्स स्क्वायर से हमने x लिया, सेंटर से माइनस का साइन और 4 का रूट 2, ब्रैकेट कंप्लीट होल स्क्वायर, ग्रेटर का साइन एज इट इज। 12 प्लस 4 16। और बताइए 16 को हम कैसा लेंगे? 16 को हम लेंगे 4 स्क्वायर, x माइनस 2 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 4 स्क्वायर। यहाँ 2 पॉसिबिलिटी है, एक प्लस 4 और दूसरा माइनस 4, तो हमने लिया x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 4 और x माइनस 2 इज लेस देन माइनस 4। ये माइनस 2 इधर शिफ्ट होगा तो हो जाएगा प्लस 2 x greater than 4 plus 2 x is greater than 6। x का वैल्यू हमारा greater than 6 आया। अब ये माइनस 2 इधर शिफ्ट होगा तो हो जाएगा प्लस 2 x is less than माइनस 4 प्लस 2, तो हमारा x का वैल्यू आया x less than माइनस 2। हमारा x का वैल्यू हुआ greater than 6 और x का वैल्यू हुआ लेस देन माइनस 2। देयरफॉर f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ x लेस देन माइनस 2 और x ग्रेटर देन 6। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।